हेलो गाइस, वेलकम टू द कार लाइफ चैनल। ये गाइस मारुति सुजुकी की अर्टिगा VXI CNG वेरिएंट। ये गाड़ी की कीज़ और फ्रंट लुक की बात करें तो कुछ इस टाइप से आपको फ्रंट लुक मिल जाता है। और जो इसको हेडलैम्प्स है इसमें गाइस आपको जो हाई बीम के लिए प्रोजेक्टर प्रोवाइड किया गया है, लो बीम के लिए आपको हेलोजन बल्बस है, प्रोजेक्टर में भी आपका हेलोजन ही बल्बस है, और जो आपके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी आपके हेलोजन है। नीचे आपको यहाँ पर फॉग लैम्प प्रोवाइडेड नहीं होता है VXI वेरियंट में। यहाँ पे भी गाइज आपको यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है जो कि आपको ग्रिल को कनेक्ट करता है। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में आपको लाइट में सेम ट्रीटमेंट मिल जाता है क्रोम का। ये गाइज आपकी गाड़ी की ग्रिल क्रोम फिनिश में आपको मिलती है। नीचे का गाइज लोवर पोर्शन जो है वो आपको थोड़ा सा ब्लैक ट्रीटमेंट में फिनिश मिलेगा। डुअल कलर्ड आपको इसमें बम्पर प्रोवाइड किया गया है। ये गाइज गाड़ी का टोइंग हुक। ये गाइज गाड़ी की साइड प्रोफाइल, इसमें आपको व्हील कैप्स आते हैं गाइज, वो जब आपको कार डिलीवर होगी तो उस टाइम आपको लगा के दिया जाएगा व्हील कैप्स। यहाँ पे गाइज आपको गाड़ी के ऑरविम्स प्रोवाइड किए गए हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। और जो गाइज इसमें आपको व्हील साइज मिलता है वो 185/65 R15, इसमें आपको 15 इंचेस के स्टील रिम्स प्रोवाइडेड है। ये गाइज गाड़ी का एंटीना, फ्रंट में आपको एंटीना प्रोवाइड किया गया गाड़ी में। VXI वेरिएंट में गाइस जो आपको ए पिलर मिलता है वो आपको ब्लैक डाउट नहीं मिलता, बट जो आपको बी पिलर मिलता है वो आपको ब्लैक डाउट मिलेगा गाड़ी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस जो आपका ए पिलर है वो आपका बॉडी कलर्ड है, बट जो आपका बी पिलर है और जो सी पिलर है वो आपको ब्लैक डाउट ट्रीटमेंट में प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें गाइस आपको 7 सीट्स मिल जाती हैं। आप इसको एज ए सेवन सीटर भी यूज़ कर सकते हैं अर्टिगा को, अगर आपके पास ज़्यादा लगेज नहीं है तो। ये गाइस गाड़ी का आपका रियर लुक, इसमें आपको LED टेल लैंप्स प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं वो हेलोजन से मिलते हैं, और जो रिवर्स लैंप है वो भी आपको हेलोजन प्रोवाइड किया गया है। नीचे गाइस आपको अर्टिगा की बैजिंग प्रोवाइड की गई है। इसमें गाइस आपको रियर वाइपर और रियर डिफोगर VXI वेरिएंट में प्रोवाइडेड नहीं है। यह है गाइस गाड़ी का हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। पीछे आपको CNG की भी बैजिंग मिल जाती है। इसमें गाइस आपको रियर में 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, और नीचे की साइड आपको रेड कलर में रिफ्लेक्टर प्रोवाइड किया गया है। सो गाइस इसमें जो आपको बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है 209 लीटर का विद थर्ड रो अप। यहाँ पे गाइस आपको ग्रैब हैंडल दिया गया, बूट इजीली आप क्लोज कर सकते हैं इससे। यहाँ पे गाइज आपका CNG का सिलेंडर 9 kg आपको इसमें सिलेंडर प्रोवाइड किया गया है। इसकी गाइज एवरेज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और गाइज अगर आप थर्ड रो फोल्ड कर देते हैं तो आपको अराउंड 550 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। रियर सीट में आपको गाइज यहाँ पे कप होल्डर प्रोवाइड किया गया है। रियर सीट आप 50-50 स्प्लिट्स कर सकते हैं। ये गाइज आपके हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किए गए गाइज आपको तीनों रो में। यहाँ पे आपको गाइस थोड़ा बहुत कुछ स्पेस प्रोवाइड किया गया है। सो गाइस गाड़ी के फ्रंट डोर की बात करते हैं, जो फ्रंट डोर पैड मिलता है वो आपको गाइस पूरा बेज फिनिश में मिलता है, कुछ इस टाइप से बेज और ब्राउन फिनिश। आपको वहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्राउन फिनिश भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको गाइस पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ORVM गाइज आपको इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिलता है। नीचे की साइड आपको बोतल होल्डर और कुछ स्नैक्स रखने के लिए स्पेस प्रोवाइड किया गया है। ये गाइज गाड़ी का डैशबोर्ड, फ्रंट से कुछ इस टाइप से इसमें आपको लुक मिलता है। इसमें आपको गाइज डुअल फिनिश में डैशबोर्ड प्रोवाइड किया गया है, ब्राउन और बेज ट्रीटमेंट में। इसमें गाइज आपको सीट्स मिलती हैं, वो आपको गाइज हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती हैं, आप सिर्फ उसका रिक्लाइन एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी लीवर प्रोवाइडेड नहीं है एक्स्ट्रा। यहाँ पे गाइज आपको स्विच मिल जाता है अपना, आप पेट्रोल टू CNG, CNG टू पेट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए और हेडलाइट लेवलर के लिए। सो गाइज ये गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिलता है, राइट साइड में स्पीडोमीटर। गाइज आपको लेफ्ट साइड में टैकोमीटर मिलता है, उसी में आपको CNG के लिए फ्यूल गेज प्रोवाइड किया गया है, और राइट साइड में जो आपका पेट्रोल के लिए गेज आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है। MID स्क्रीन पे गाइज आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जितना जैसे कि आपका CNG कितना बचा है, टाइम, टेम्परेचर, ये सब आपको उस पर देखने को मिल जाता है। ये गाइज गाड़ी के वाइपर के कंट्रोल्स, ये गाइज आपके गाड़ी के लाइट के कंट्रोल्स। इसमें गाइज आपको यहाँ पर टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलता है, आपको फिजिकल बटन इसमें प्रोवाइडेड नहीं है म्यूजिक सिस्टम में,
सारे बटन आपको टच ही मिलते हैं। यहाँ पे गाइज आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, नीचे की साइड आपको ब्लूटूथ के लिए और टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं। ये गाइज गाड़ी के एसी के कंट्रोल्स, इसमें आपको नॉर्मल एसी मिलता है, मैनुअल एसी आपको प्रोवाइड किया गया है, ऑटोमेटिक एसी आपको इसमें नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट का स्विच मिल जाता है। नीचे गाइज आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड किया गया है राइट साइड में। यहाँ पे आपको USB रॉक्स के लिए सपोर्ट है। अभी गाइज मैं लाइट जला के दिखाऊंगा, थोड़ा इसमें क्लियर नहीं है बट आपको अभी थोड़ी देर में क्लियर दिखेगा वो। ये गाइज गाड़ी का डैशबोर्ड लेफ्ट साइड। यहाँ पे गाइज आपको दो ग्लास होल्डर मिल जाते हैं विद कूलिंग फंक्शंस। पीछे साइड आपको गियर नॉब मिल जाता है उसके। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक प्रोवाइड किया गया है, उसके पीछे यहाँ पे आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइडेड है। सो गाइज अब आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा। यहाँ पे गाइज आपको सन वाइजर पे मिरर प्रोवाइड किया गया है विदाउट लाइट्स। राइट साइड में आपको गाइज ना मिरर मिलता ना ही लाइट प्रोवाइड की गई है। ये गाइज आपका कैबिन लाइट फ्रंट में, आपको पीछे भी कैबिन लाइट इसमें प्रोवाइडेड है। इसमें जो एसी वेंट्स मिलते हैं उसमें गाइज यहाँ पे आपको ब्लोवर कंट्रोल प्रोवाइड किए गए, जिससे आप जो एसी वेंट से जो आपका ब्लो आता है, एयर का फ्लो आता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज रियर सीट की बात करें तो इसमें आपको कुछ इस टाइप से डोर मिलता है, काफ़ी गाइज वाइड ओपन होता है डोर, काफ़ी बड़ा डोर इसमें आपको मिल जाता है। ये आपको गाइज फुल बीच ट्रीटमेंट में मिलता है, इसमें आपको ब्राउन ट्रीटमेंट इसमें प्रोवाइडेड नहीं है। ये गाइज गाड़ी की मिडल रो सीट जो कि आपकी स्लाइड होती हैं। यहाँ से आप गाइज रिक्लाइन एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। और गाइज आपकी सेकंड रो सीट्स हैं उसके ऊपर ये गाइज यहाँ पे आपको एसी के वेंट्स प्रोवाइडेड हैं। ये गाइज आपके जो फ्रंट से एसी है उसकी उस वहाँ से हवा सक करता है और यहाँ से आपको थ्रो करता है। ये गाइज आपके फैन के कंट्रोल। ये गाइज आपकी रियर केबिन लाइट। इसमें गाइज जैसे मैंने आपको बताया सारे हेडरेस्ट आपको तीनों रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे गाइज आपको लीवर प्रोवाइड किया गया, जो आप मिडल रो सीट है उसको आप टंबल कर सकते हैं ताकि आप पीछे वाली जो रो है उस पर ईजिली एक्सेस कर सकें। पीछे गाइज आपको कोई भी चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड नहीं किया गया है, वहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर दिख रहा होगा इस नॉर्मल कैप है, वहाँ पे आपको कोई भी चार्जिंग ऑप्शन प्रोवाइडेड नहीं है। सो गाइज अगर हम प्राइस की बात करें अर्टिगा VXS CNG वेरियंट की, तो ये आपको पड़ता अराउंड 12.14 लैक्स ऑन रोड दिल्ली। इसकी गाइज अगर एवरेज की बात करें CNG में, तो ये आपको देता अराउंड 26.1 की एवरेज आपको इसमें मिल जाती है। और जो इसमें गाइज इंजन मिलता है वो आपको मिलता है 1500 cc का, जो निकालता है आपकी 87 bhp और 121.5 Nm का टॉर्क इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है। सो गाइज थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। Cause if she catch me with you, then we going down like sugar.